एक ट्रक पकड़ाई है जो कि लखनऊ से पटना जा रही थी। इसमें करीब 200 पेटी कफ सिरप है जो कि कोडिंग युक्त है और इसका बाजारी कीमत जो है वो करीब 56 लाख रुपए बताया जा रहा है। तो इसको जब पकड़ाया उसके बाद हम लोग ड्रग इंस्पेक्टर जो है गोपालगंज से उनसे प्रतिवेदन लिए हैं। प्रतिवेदन के अनुसार से उसमें कोडिंग पाया गया है और आज उसको स्थानीय कुचायकोट थाना सुपुर्द किया जा रहा है अग्रतर कानूनी कार्रवाई के लिए। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से जहां 200 पेटी प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त किया है, वहीं इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर का नाम राकेश कुमार है। यह लखनऊ के काकोरी थाने का रहने वाला है। यह कफ सिरप लखनऊ से पटना के लिए लाई जा रही थी। बरामद कफ सिरप की कीमत करीब 56 लाख रुपए आकी गई है। यह कार्रवाई उत्पाद विभाग की टीम ने कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट पर की है। इस मामले में उत्पाद थाना अध्यक्ष पीयूष कुमार ने बताया कि यूपी से आने वाली सभी गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान यूपी नंबर के ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक में 200 पेटी यानी 32,000 पीस प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया जो कोडिन युक्त है। इस मामले में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। बरामद कफ सिरप की कीमत करीब 56 लाख रुपए है। कल दोपहर 2 बजे का बात है, समेकित जांच चौकी बलथरी पे वहां जांच के क्रम में एक ट्रक पकड़ाई है जो कि लखनऊ से पटना जा रही थी। इसमें करीब 200 पेटी कफ सिरप है जो कि कोडिंग युक्त है और इसका बाजारी कीमत जो है वो करीब 56 लाख रुपए बताया जा रहा है। तो इसको जब पकड़ाया उसके बाद हम लोग ड्रग इंस्पेक्टर जो है गोपालगंज से उनसे प्रतिवेदन लिए हैं। प्रतिवेदन के अनुसार पे उसमें कोडिंग पाया गया है और आज उसको स्थानीय कुचायकोट थाना को सुपुर्द किया जा रहा है अग्रतर कानूनी कार्रवाई के लिए। गिरफ्तारी हुई है एक, इसमें एक व्यक्ति है जो चालक थे, राकेश कुमार यादव, ये थाना काकोरी लखनऊ के निवासी हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। कितने की लागत की है ये? 56 लाख की जो है ये कफ सिरप है मार्केट वैल्यू। कफ सिरप जो है इसमें ड्रग है बेसिकली, जो कोडिंग वो पूर्णतः प्रतिबंधित है, वो बैंड है और दवा के रूप में इसको मेडिकल स्टोर पे आगे सप्लाई किया जाता, लेकिन वहां जांच के क्रम में ये ऐसा चीज आया है, इसको हम लोग आगे रिपोर्ट कर रहे हैं। उत्पाद थाना अध्यक्ष ने बताया कि बरामद कफ सिरप को गोपालगंज ड्रग इंस्पेक्टर से जांच प्रतिवेदन लेकर स्थानीय थाना कुचायकोट को सौंप दिया गया है। बरामद कफ सिरप करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। खुलासा के लिए गोपालगंज से नमो नारायण मिश्र की यह रिपोर्ट।